बी वेल्दी में आप सभी का स्वागत है। बी वेल्दी के सबसे पहले वीडियो में आपको हमने ये बताया था कि अगर अमीर बनना चाहते हैं ना तो बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि आपके लिए अमीरी की रकम क्या है और अमीरी क्या है। अमीरी मेरे लिए क्या है? वो दिन जिस दिन मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े अपने खर्चे को चलाने के लिए, जिस दिन मैं ये अचीव कर लूँगी उस दिन मैं अमीर हूँ। तो आप में से कईयों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या ये एक्चुअली होता है या सिर्फ कहने की बात है? तो जनाब ये एक्चुअली होता है, और इसलिए आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान है, ऐसे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। उन्होंने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया अमीरी का जहाँ पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि अगर नौकरी ना रही तो खर्चा कैसे चलेगा। तो आज हमारे साथ है बी वेल्दी में अशोक कुमार, जो स्क्रिप्टबॉक्स के सीईओ हैं और उसके को-फाउंडर भी हैं। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। ये जो एक सबके दिमाग में रहता है ना कि सिर्फ कहने की बात है यार, अमीर कोई बन नहीं सकता, खासकर जो मिडिल क्लास सैलरीड क्लास इंसान है उसको लगता है कि वो अमीर नहीं बन सकता है। आपका इस पर आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ये व्हाट यू कॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबके दिमाग में वही रहता है कि हम अमीर कैसे बने, और यू नो ये नौकरी इज़ नॉट अ कंपल्सरी फॉर मी टू यू नो गो एवरी डे। समथिंग जो हम एंजॉय करते हैं वो करना चाहें, किसी का पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, किसी का हिमालयन ट्रैक करने का इंटरेस्ट हो, बट नौकरी पकड़ के रखता है उनको वो ड्रीम रियलाइज़ करने का। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक्सपेंसेस हैं तो कैसे मीट किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये अचीव हो सकता है, एंड यू नो विदाउट रियलाइजिंग मैंने एक टाइम पे स्टार्ट किया था, और एक यू नो बिफोर 40 ओनली मेरे को वो मुकाम आ गया कि किस एज पे शुरू किया था आपने? मैंने 25 इयर्स एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड। वाह, और नॉर्मली उस एज ब्रैकेट पे होता ये है कि हम लोग कमाना तो शुरू कर देते हैं लेकिन जो देख रहे हैं वो भी, और खुद मैंने भी ये किया था कि मैंने इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया था उस टाइम पे। कोई ये था कि पैसे तो जमा हो रहे हैं अकाउंट में लेकिन उसको इन्वेस्ट करना है कहीं पे, वो एकदम दिमाग में नहीं आया था। बट या पर ऑनेस्ट चीज वही है कि इन्वेस्ट वाला डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ, उतना क्लैरिटी तो 25 साल में तो किसी को नहीं रहता, मेरे को भी नहीं था। मेरे को इतना क्लैरिटी था कि देखिए हर वीकेंड हम कुछ मूवी के लिए जाते हैं, पिज़्ज़ा खाने के लिए जाते हैं, तो हर वीकेंड, तभी जब मैं 25 साल का था 2001 में शायद, तभी 500 रुपया तो ऐसे ही निकल जाता था। तो चार वीकेंड ले लिया 2000 निकल गया। तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि यार उस पे से 1000 रुपया थोड़ा साइड में रख दे, जिसे मम्मी ऑलवेज बोलती थी यार थोड़ा पैसा बचा के रखना फ्यूचर के लिए, यू नो कुछ यू नो काम के लिए आएंगे ना। बट एक ही चीज़ मैंने डिफरेंट किया कि वो पैसे बैंक में नहीं रखा, तो FD, किसी ने बोला कि FD का रिटर्न ये होता है, वो ये 1000 डालते वो 10 साल में डबल होता है। मेरे पास 10 साल बहुत लंबा है, थोड़ा फास्टर होना चाहिए। तो देन किसी ने बोला कि राय दिया कि यार म्यूचुअल फंड करके एक आइटम है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे को इतना समझ में नहीं आता म्यूचुअल फंड क्या करता है, बट इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद उसके बारे में थोड़ा इंटरनेट वगैरह उतना आसान से एक्सेस नहीं था दोस देश में, तो थोड़ा मैंने पढ़ाई किया कि अच्छा ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अच्छा। तो 1000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। इन फैक्ट 1000 रुपये इज़ नथिंग बट अल्टरनेट वीकेंड मैंने बाहर नहीं गया, यू नो थोड़ा उस दिन मैगी वैगी खा गया और घर पे कुकिंग करके खा लिया। लेकिन ये आपने कॉन्शियसली इतना एफर्ट मारा कि मुझे हर वीकेंड बाहर नहीं जाना है और मुझे कुछ पैसे बचाने हैं? वो हाँ, इतना क्योंकि वो अमीर बनने की इतना बड़ा कुछ तो बचाने का, फ्यूचर में कुछ करना है तो थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। तो जो अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं वीडियो, ध्यान रखिए कि जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पैसे बचते ही नहीं है हमारे पास, जो आते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये सिर्फ एक्सक्यूज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं बचा सकते। अगर आप 2 वीकेंड बाहर नहीं जाएंगे ना, या फिर 2 मूवीज नहीं देखेंगे तुरंत रिलीज होने पे, तो आपके उतने पैसे आराम से बच जाएंगे जिससे आप निवेश शुरू कर सकते हैं। राइट, परफेक्ट, एग्जैक्टली। और उसमें 2-3 महीने में ऐसा भी किया, मेरा 2-व्हीलर का EMI खत्म हो गया, वो 1200 रुपये ज्यादा था कटता था, वो 1200 रुपये भी ज्यादा आ गया, तो थोड़ा बड़ा भी दिया मैंने। तो ऐसा छोटे छोटे चीज बहुत होते हैं कि एक्सपेंसेस में ऐसा ही निकल जाता है। अच्छा। जैसे आपने बोला कि तनख्वाह जमा हुआ और 15 दिन में खर्चा हो गया, देन लास्ट 15 दिन में आप थोड़ा स्ट्रगल मार रहे हो, बट ये मैं सोचा कि ये भी एक्सपेंसिव है।
एक्चुअली वो डेफिनेशन से मेरा यू नो क्लैरिटी आ गया कि यार इस साइड में जाने दो. अच्छा, बहुतों को ये लगता है कि यार अगर निवेश करना, निवेश अपने आप में बहुत हैवी वर्ड लगता है, निवेश करना है जो बहुत तो पैसे ज्यादा चाहिए. हाँ. मुझे ये मैं बचा रहा हूँ 500, बहुत तो बहुत नहीं कमाते हैं, हो सकता है कि उनके पास 500 ही बच रहे हो. आपने जो निवेश शुरू किया था, आपने कहा 1000 से शुरू किया था. हाँ. राइट, तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा था. एग्जैक्टली था. हाँ. किसी ने बोला इन्वेस्टमेंट और निवेश माने आपको 50,000 चाहिए, 25,000. बट म्यूचुअल फंड का एक खूबी था कि आप बहुत कम, अभी उस समय में शायद 1000 का ही था मिनिमम. तो 1000 रुपये में मेरा एडवाइजर ने आके दो उस समय में आपको चेक देना पड़ता था. छः चेकबुक आपको निकाल के कट करके उन्होंने लेके गया था. सो दैट वाज द दैट्स हाउ यू नो इट ऑल स्टार्टेड. तो 1000 से शुरू, आजकल तो इनफैक्ट 500 से शुरू कर सकते हैं. हाँ, अभी तो वो भी कम हो गया, 500 से भी चालू कर सकते हैं. तो कोई भी रकम छोटी नहीं होती. ये इंतजार ना किया जाए कि जब मैं 5000 बचाऊंगा हर महीने या बचाऊंगी उसी वक्त मैं निवेश शुरू करूंगी. अगर 500 भी बच रहे हैं तो शुरू कर दीजिए निवेश करना. और जैसा भी बताया अशोक ने, आपने अपने टू व्हीलर का लोन आपने एकदम बंद हुआ उसके बाद उसका एग्जैक्टली वो अमाउंट भी इस पे ट्रांसफर कर दिया, 2000 करा दिया मैंने. ऐसे ही होती है, अमीर बनने के लिए ना ये सब काम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है. कहानी सुनते हैं, अच्छी बात है, इसको अमल में भी लाइए. लेकिन अभी जो मार्केट है, अभी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं. राइट. जब आप, हम हमेशा बोलते हैं लंबे वक्त के लिए करो, इक्विटी में करो तो लंबे वक्त के लिए करो, छोटे वक्त के लिए मत करो. क्यों मत करो? क्योंकि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है. तो आपने कितने साल इन्वेस्ट किए? 20 साल हो गए. अभी 20 साल हो गए. 20 साल हो गए. 20 साल में कम से कम 2-3 साइकिल आपने बाजार का देखा होगा, जहां पर आपका निवेश की जो वैल्यू है, जो आजकल हालत है बाजार की, वैसे वाली मौके आए होंगे जहां एकदम नीचे गिर जाता है वैल्यू. उस वक्त कभी डर नहीं लगा था? लो, बहुत डर लगता था. पहले चालू किया था, 1 साल 2 साल 3 साल में 1 लाख का रकम हो गया था. तो अभी 1 लाख हो गया है, अभी इसको निकाल दें करके किसी ने राय दिया था कि स्टॉक मार्केट ऊपर एक गैम्बल है, अब 1 लाख निकाल दो. अब तो 1 लाख अभी बचा लिया आपने, निकाल दो. मैंने बोला नहीं नहीं यार, ये अच्छा चल रहा है, चलने दो. देन ऐसा ऐसा करते करते 7-8 साल में 2007-8 किसी भी उसको शायद वो बारे में वो लेमन ब्रदर्स करके बड़ा सा फॉल आया था. 30% गिर गया मार्केट. 30% माने जब तक मैं थोड़ा बचा लिया, थोड़ा एक ऑफिस में उतर चढ़ाव भी आपको लगता है कि आप हीरो जैसे बोलते हो कि यार ये कर लो, यही राइट है. वो सब दोस्त जो बोले यू नो ये नहीं करना चाहिए, उनको लगा कि अरे अशोक भाई इधर आओ, बहुत मजाक उड़ा, बहुत मजाक उड़ाया कि यार अब क्या कर रहे हो, ये तो अभी तो निकाल दो आपका जो. सो 30% एक ही साल में, एक साल भी नहीं, 2-3 महीने में 30% डाउन हो गया. तो तब मेरा करीब 15 लाख तक सेविंग हो गया था, बिकॉज नौकरी अच्छा चल रहा था, प्रमोशन हो रहा था, बचाते बचाते वो ग्रोथ होके 15 हो गया था. तो 30% आपको कम हो गया, मैंने दैट ड्रॉप was very very. तो एक दिन, एक पूरा दिन ऑफिस जान निकल जाते, ऑफिस भी नहीं गया. बट देन एक लाइन मेरे को याद है कि यू नो एक महाशय वारन बफेट करके बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. दो ही है ना, इधर फियर आता है, डर आता है, नहीं तो ग्रीड आ जाता है कि लालच. इन दोनों के बीच में स्टॉक मार्केट में कई कई मिस्टेक्स हो जाते हैं. तो वो ज्ञान मेरे को सही टाइम पे मिल गया था. मैंने उस अमाउंट को निकाला नहीं. अगर मैं वो निकाल दिया होता तो आज मैं शायद आपके साथ ये बातचीत नहीं कर पाता. तो मैंने आई स्टेड इन्वेस्टेड. तो समय, टाइम इज योर फ्रेंड एंड टाइमिंग आई वुड से इज द एनिमी. राइट. सो तो जितना लंबे रहते हैं उतना अच्छा, बेहतर होता है. वो वाला ज्ञान मेरे को उस दिन मिल गया था कि यू नो आप देखिए ज्ञान बहुतों को मिल जाता है सही वक्त पे, लेकिन उस ज्ञान को फॉलो करना बहुत मुश्किल. वो कन्विक्शन होना पड़ता है, वो कन्विक्शन यू नो लेके आना. मैं ये भी एडमिट करूंगा कि वो थोड़ा एंशियस मोमेंट्स था, 3-4 दिन एंशियस मोमेंट्स था कि अरे इतना बचा है उतना तो निकाल दो. तो वो टाइम पे मैंने निकाला नहीं, वो सही निकला. क्या है कि उस समय में एक स्पेसिफिक ज्ञान मिल गया मेरे को कि देखो अगर इफ यू स्टे इन्वेस्टेड तो वो वापस आ जाएगा. इतना कॉन्फिडेंस मेरे को तब तक आ गया था क्योंकि जो पहले वाला साल में जो इन्वेस्ट किया था वो सब 3 गुना 2 गुना ऐसा हो गया था. तो मैंने बोला मैं आज के दिन में आपके साथ ये बात नहीं करता अगर मैं निकाल दिया होता तो आई स्टेड इन्वेस्टेड. और 2 साल में वो जो अमाउंट हुआ था वो अमाउंट वापस वही लेवल पर पहुँच गया. और ये 2 साल में जब डाउन था, जब मेरा निवेश चल रहा था SIP के जरिए और वो रकम भी बढ़ गया था, बिकॉज 25 से चालू किया मैं, 31-32 में मैनेजर बन गया था. तो वो अमाउंट और भी फास्ट चला गया और वो मैं कंटिन्यू करता गया.
और ये कंटिन्यू करते करते एक 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 दिन 2012 आ गया, तब मेरे को ये मालूम हुआ कि 99 में शुरू किया था, 2001 में चालू किया था, और कि एक टाइम आ गया था कि यार मेरा मंथली एक्सपेंसेस जो है, जो यू नो दो बच्चों की स्कूल की सब मिला के जो एक्सपेंसेस होता है, जो निवेश में डाला हुआ है, वो उसका बढ़ती ऐसा हो रहा था कि वो एक्सपेंसेस से भी थोड़ा ज़्यादा ही हर साल मिलने लगा। ओके, मतलब जितनी जितना खर्चा था उतनी कमाई आपको आपके निवेश से होने लग गई थी। हाँ, तब मेरे को लगा कि यार अभी मेरे पास चॉइस है, ऑफिस जाऊं नहीं तो कुछ अपना कुछ करना है, जो भी मेरा ड्रीम्स है, शायद एंटरप्रेन्योर बनना है, जो भी वैसा वाला ड्रीम्स में क्यों ना फोकस करें। इनफैक्ट वो दैट इज़ द टाइम आई वुड से दैट मेरे को ये लगा कि जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं लोग, उसका मेरा एक डिसीजन आ गया कि मैं शायद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। और ये किस साल की बात करें आपने कहा 2001 में आपने निवेश करना शुरू किया था, 12 साल में हुआ, 12 साल में आपको ये मिल गया, 12 साल में हो गया। क्योंकि दो चीज होता है ना, हाँ। कि फॉर्चुनेटली जो आईटी सर्विसेज और आईटी कंपनी में काम करते हैं, हाँ। उनका सैलरी भी ऐसा ही ग्रो होता रहता है, और मैंने क्या किया, मेरा एक्सपेंसेस उतना ना बढ़ाया, एक्सपेंसेस जो जितना होते थे थोड़ा कंट्रोल में रखा था। दो ट्रिक है कि या तो जितना आपका लेट्स से मेरा सैलरी दुगना हो गया, तो उसके हिसाब से मेरा लाइफस्टाइल भी दुगना हो गया, देन बचाने का यू नो अमाउंट बहुत कम हो जाता है, बट इंस्टेड ऑफ द थोड़ा बढ़ा दें लाइफस्टाइल, बट ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसके हिसाब से मेरा जो सेविंग रेट था वो एक्सपेंस रेट से बहुत ही कम था, इसलिए 12 साल में आपने अपना आप अमीर बन गए बेसिकली। आई मीन जो भी डेफिनेशन ऑफ अमीर होता है, मेरे ख्याल से अमीर ये होता है कि एक्सपेंसेस मीट करने के लिए नौकरी ना करना पड़े, वो अमीर होता है। तो आपके पास बड़ा गाड़ी बड़ा बंगले, दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ अमीर। आपका जो चॉइस है आप कर सकते हो, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोल दीजिए, अमीर बोल दीजिए, यू नो। तो आप अशोक की बात अगर आप सुन रहे हैं गौर से, सिर्फ 12 साल लगे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हमारे शब्द में जो हम कहते हैं अमीर बनने में, तो अब आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई मैं भी बन जाऊंगा, हाँ बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ सुनना और देखना काफ़ी नहीं है, तो पहले जाइए वापस अपने घर पे और चेक कीजिए भाई कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना कमाते हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और ये मत बोलिए कभी भी खुद को कि आप सेव नहीं कर सकते हैं। अभी अशोक ने बताया कि आप अगर अपने महीने के 4 वीकेंड आपके पास है, आप देखिए 4 वीकेंड में आप कितने पैसे उड़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा 4 में कभी भी नहीं जा रहे हैं, तब भी पैसे नहीं बच रहे हैं, तब सोचने की बात है। लेकिन अगर आप 4 वीकेंड बाहर जाते, सिर्फ 2 वीकेंड घर पे रहिए, वो पैसे बचाइए और उसके बाद उस पैसे को निवेश करना शुरू कीजिए। और 500 रुपये है ना, 500 रुपये भी निवेश करना शुरू कीजिए, करते रहेंगे 12 साल में ये अमीर बन गए, आपको भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अशोक ने क्या किया है, जब भी बाजार नीचे गया और दिख रहा है, जो खासकर अभी का जो माहौल है आपके सामने, जहां बहुतों ने हमसे पूछा है कि 2 साल से निवेश कर रहे हैं, वैल्यू तो भी नेगेटिव में दिख रही है, क्या करें, रिटर्न अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं करिए, बने रहिए, निवेश जारी रखिए, तभी आपको फायदा होगा। अमीर बनना चाहते हैं तो जो हम बातें कह रहे हैं वो सुनिए भी और उसको अमल में भी लाइए। तो वन ऑफ द रीजन स्क्रिप्टबॉक्स हमने इसीलिए चालू किया था कि यार इसको और मैसेज लोगों को कैसे बताए। सो 7 साल से 2012 के बाद मैं यही बिजनेस ही बना दिया था कि कैसे लोगों को समझा के इसके आपकी अपनी कहानी ने आपको, आपकी अपनी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया कि आप स्क्रिप्ट बॉक्स लेकर आए। एग्जैक्टली इसीलिए वो वेबसाइट में ज्यादा ज्ञान मिलते हैं, पुश नहीं करते हैं कि आपको चालू करो, क्योंकि जब लोगों को समझ में आ जाता है अपने आप कर लेते हैं। मेरे को किसने समझाया, जब मैंने बस 25, अभी वो 25 लोगों को समझ में आया, ग्रेट। 35 में भी थोड़ा और टाइम लगेगा बट हो जाएगा, 45 में भी आप चालू कर सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज के लिए डिले नहीं करने का, अगर व्हाट एवर रीजन डिले हो गया तो टुडे इज ऑलवेज अ गुड डे, वही मैं बोलना चाहूंगा। अशोक से हम एक और बात करेंगे, बहुत जरूरी, लेकिन आज नहीं, वो वीडियो बाद में आएगा, और वो उन सब लोगों के लिए है जो हमेशा पूछते हैं मैडम आप स्टॉक मार्केट पे वीडियो कब बनाएंगे और स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें और म्यूचुअल फंड से क्या अमीर बन सकते हैं या स्टॉक मार्केट में जाना ज्यादा बेहतर होगा।
ये सब बातें हम अशोक से कर, अशोक ने वो सारे काम भी किए हैं, इनसे ही पूछेंगे, इनकी ज़बानी जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। तो आप बने रहिए बी वेल्थी के साथ, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो और लाइक बटन भी दबाइए, और कोई सवाल हो मुझसे या अशोक से भी मैं जवाब इनसे पूछ के आपको ज़रूर दे दूँगी। तो सवाल नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं याद रखिए अमीर बनने के सफ़र पर।